जय हिंद डियर। तो चलिए आज आप लोग को मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के बारे में बताते हैं। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है कि सर हमको मीडिया में काम करना है, तो न्यूज़ चैनल का एंकर बनना है, सर हम लोगों को रेडियो में काम करना है ना, अगर इस तरह का आप लोग मन इंटरेस्टेड हो तो ये आप लोगों के लिए कोर्स है। आप लोगों को क्या कोर्स करना पड़ेगा, BGMC मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बट याद रहे, ये कोर्स करने के पहले अपने आप में आपको चेक कर लो कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, आप बहुत क्रिएटिविटी के शौकीन हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है, आप पब्लिक स्पीकर माने हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए नहीं करना चाहिए, ये हम प्रीफर करें। बट अगर रियली आप बहुत क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बताएंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सर कितने साल का होता है ना, कितना रुपया खर्चा होता है, कहाँ से हमको करना चाहिए। ठीक है, ये छोटे से वीडियो में आप लोगों को हम ये सारा बात आप लोग को बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, उसमें ग्रेजुएशन करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सर इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्लास 12 का डिग्री चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, बट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। आप चाहे क्लास 12 कॉमर्स से की हो, चाहे आर्ट्स से की हो, चाहे साइंस से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हो। ठीक है सर, ये कितने साल का कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है। जैसे आप क्लास 12 के बाद अगर बीकॉम करते हो, तो बीकॉम 3 साल का कोर्स है, अगर BSc करते हो तो वो भी 3 साल का कोर्स है, और BA भी करते हो तो भी 3 साल का कोर्स है, वैसे ये 3 साल का कोर्स है, और ये भी अपने आप में एक बैचलर डिग्री है। जो बीकॉम करके जो ग्रेजुएट कराओगे, आप इसको भी करके आप ग्रेजुएट कराओगे। ठीक है सर, इसका खर्चा कितना, इसका खर्चा 30,000 से 2 लाख का खर्चा है पर एनम। सर ये एवरेज एक्सपेंसेस हम आपको बता रहे हैं, इस खर्चा डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत कम खर्चा होगा, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें वो ज़्यादा खर्चा होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको वो प्लेसमेंट देता है, इसलिए वो अपना इतना ज़्यादा फीस रखा हुआ है। ठीक है सर, कुछ कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम लेता है और कुछ कॉलेज मेरिट लिस्ट होता है। मतलब देखो, ये कुछ कुछ एग्जाम के लिए क्या होता है, नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है। जैसे आप लोगों को याद करो बताए थे, LLB करने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, ये नेशनल लेवल पर होता है। अगर आपको CA CMA करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसका इंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी नेशनल लेवल पर होता है। बट जैसे आप अगर क्लास 12 के बाद BCom करोगे, तो BCom क्या होता है, उसका कोई नेशनल एग्जाम नहीं होता है, वो मेरिट लिस्ट पर एडमिशन होता है। सर मेरिट लिस्ट का मतलब किसी कॉलेज में सब स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, अगर मान लेते हैं कॉलेज में 50 सीट है, तो उस 50 बंदे को लेगा जिसका हाइस्ट मार्क्स है, सबसे ज्यादा मार्क्स, उससे कम ऐसा करता है, तो 50 स्टूडेंट लेगा और बाकी को छोड़ देगा, उसको बोलते का मेरिट लिस्ट। तो इसी तरह BGMC का कोर्स करने के लिए भी कुछ कॉलेज क्या करता है, मेरिट लिस्ट पर लेता है, और कुछ कॉलेज क्या करता है, इंट्रेंस एग्जाम लेता है, बट इसका कोई नेशनल लेवल का कोई एग्जाम नहीं होता, कॉमन एग्जाम। तो सर कुछ यूनिवर्सिटी अपने बेसिस पर लेता है, स्पेसिफिक एग्जाम होता है, कुछ कॉलेज सर IPO CET के नाम से लेता है, कुछ CUET के नाम से एग्जाम लेता है, कोई DUET के नाम से होता है, कोई JMEE के नाम से एग्जाम लेता है, इस डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऊपर है, बट कोई इसका नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, सिमिलर टाइप का कोर्स ही करवाते हैं, जैसे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, तो कुछ इसको सर नाम बदल कर कुछ स्पेसिफिक फील्ड पर कोर्स करवाता है, जैसे BSc इन कम्युनिकेशन, BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BBA इन मीडिया मैनेजमेंट, BBM जिसका बैचलर इन मास मीडिया, BMC बैचलर इन मीडिया स्टूडियो। सर ये भी कोर्स इज इक्वलेंट टू क्या है, BGMC की तरह है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे नाम बदल कर करवाते हैं, ये भी एक तरह का बैचलर डिग्री, घबराने का कुछ नहीं है ना। BGMC भी एक कोर्स है, और साथ में कुछ यूनिवर्सिटी का होता है अपना नाम बदल कर ये करवाता है। तो अगर आपको BGMC कोर्स करना है, तो आपको 10 टॉप 10 कॉलेज का इंडिया का नाम बता रहे हैं, उसमें से आपका अगर क्लास माने BGMC का कोर्स करते हो, तो आपका फ्यूचर में प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ये इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है जहाँ से आपको BGMC का कोर्स करना चाहिए। अगर आपको कलकत्ता से अगर करना है BGMC का कोर्स, तो कलकत्ता में से टॉप 10 कॉलेज कौन है, तो सही ये टॉप 10 कॉलेज है आपके कहाँ के, कोलकाता से, जहाँ से आप किसका कोर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। अगर ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, तो आप इस कॉलेज से करोगे, तो सर ये कॉलेज क्या होता है, इस फील्ड के लिए क्या फेमस कॉलेज है, आपको अच्छा प्लेसमेंट देगा। हाँ कुछ खर्चा ज़्यादा लगता है, पर आपको इस कॉलेज से करना चाहिए।
चाहिए। सर करके क्या बनेगा, पहले ही बता चुके हैं। अगर आप लोग शौकीन है क्या न्यू चैलेंज में एंकरिंग करने का, फिल्म प्रोडक्शन में काम करने का, आज देखते हो जो मूवी बनता है उस समय भी सबका काम लगता है। सर सैलरी कितना, सैलरी का कोई टेंशन मत लो। हम बोलते हैं कि अगर आपको है ना किसी फील्ड में अगर काम करना तो उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। ठीक है, पैसा इसमें भी काफी ज्यादा है, आप आराम से 5 लाख से 10 लाख का एनुअली अर्न कर सकते हो, बट डिपेंड है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयरिंग जरूर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।